दोस्तों, अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं, छोटी कार चलाते हैं या बड़ी कार चलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। ये है 2-in-1 टायर इन्फ्लेटर एंड वैक्यूम क्लीनर। इससे आप दो काम कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की सफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका टायर पंचर हो जाए, तो इससे आप हवा भी भर सकते हैं अपनी गाड़ी में। इसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और इसके अंदर क्या क्या है, ये सभी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, और इसको आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा। मेरे ख्याल से लोग अपनी गाड़ी में बहुत सारा खर्च करते हैं, मॉडिफाई कराते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हमेशा अपनी गाड़ी में रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको काम आ सकता है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो दोस्तों, मैंने इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन से मंगाया था, और ये कुछ इस तरह से पैक होकर के आया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक होकर के आया है। और मैं इसे खोल करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है, और आप भी इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, ये जो बर्गमैन का जो 2-in-1 कार वैक्यूम क्लीनर प्लस टायर इन्फ्लेटर बहुत ही काम का चीज़ है, ख़ास करके जब इमरजेंसी में, जब कभी आपकी गाड़ी की हवा निकल जाए तो ये आपके काम आ सकता है। क्योंकि अभी तो जो मैक्सिमम टायर्स लगे होते हैं गाड़ी में, वो ट्यूबलेस होते हैं, और ट्यूबलेस टायर्स की ये खासियत होती है कि उसमें आप हवा अगर भर दें और गाड़ी पंचर भी हो, तो कुछ दूर वो चल सकता है, 1 घंटे 1.5 घंटे तक के लिए। तो दोस्तों, ये इस तरह के डब्बे में पैक होकर के आया है। आइए इसको खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा नाइफ़ इसे काटने के लिए। मैंने खोल चुका है इस डब्बा को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्ड निकल रहा है, और ये वारंटी कार्ड है मेरे ख्याल से। और इसमें आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस तरह का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं तार वगैरह है। तो इसमें 2 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी लिखा हुआ है, मतलब कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप इसे बनवा भी सकते हैं वारंटी क्लेम करके। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखने के लिए मिलता है एक वैक्यूम क्लीनर के जैसा दिखाई दे रहा है, और यही यही चीज़ आपका टायर इन्फ्लेटर भी है और वैक्यूम क्लीनर भी है, यानी कि आप अपनी गाड़ी में हवा भी भर सकते हैं इससे, और गाड़ी की सफाई भी कर सकते हैं। ये वायर है, और इसको आप अपने कार में लगाएंगे। मैं आगे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा इसे कहाँ पर लगाना है, और इसे यूज़ करते वक्त आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट रखना है। और ये तार काफ़ी लंबा है, जो कि आपके कार के चारों ओर तक जा सकता है, यानी कि चारों व्हील्स तक पहुंच सकता है। तो ये प्रेशर वाला है, आपसे प्रेशर देख सकते हैं, आपके टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा भरते वक्त। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और फ्रंट पोर्शन से आप वैक्यूम क्लीनर के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर के जो सामान है वो सब हैं, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। ये खुला हुआ है, आप इसे असेंबल करके वैक्यूम क्लीनर जब आप यूज़ करेंगे तो इसे आप फ्रंट के तरफ जोड़ सकते हैं। ये इस तरह के कुछ चीज़ें हैं, इसको आप जोड़ करके, आपको डिपेंड करता है किस जगह कहाँ सफाई करनी है, उसके हिसाब से आप इसे जोड़ सकते हैं अपने वैक्यूम क्लीनर में। फ्रेंड्स, ये है वैक्यूम क्लीनर का इक्विपमेंट। इसमें एक पाइप भी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, लंबी सी पाइप आप इसमें जोड़ सकते हैं। पीछे की तरफ से दोस्तों, ये जो वायर जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर आप टायर इन्फ्लेटर वाली पतली पाइप को जोड़ सकते हैं, वहाँ जोड़ने के लिए सिस्टम दिया गया है। और ये देखिए, फ्रंट पोर्शन में ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसके साथ। टायर इन्फ्लेटर वाले जो पतला वाला जो पाइप है उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। बर्गमैन लिखा हुआ, यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड है। तो जब भी ये प्रोडक्ट आएगा तो आप देख करके आप समझ जाएंगे किस चीज़ को कैसे असेंबल करना है, कहाँ पे लगाना है। ये स्विच है ऊपर में, आगे की तरफ पुश करने से ये वैक्यूम क्लीनर काम करेगा, और पीछे पुश करने से ये टायर इन्फ्लेटर, ये जो पाइप देख रहे हैं हाथी के सूंड की तरह, ये वैक्यूम क्लीनर में लगेगा, और वो पतली वाली पाइप है वो टायर इन्फ्लेटर के लिए पीछे की तरफ लगेगा। तो दोस्तों, अब मैं इसे लेकर के आया हूँ अपने कार पर, ये देखने के लिए क्या ये वाकई काम करता भी है या नहीं। तो
बर्जमैन साइक्लोनिक ट्विन वन कार वैक्यूम क्लीनर एंड इन्फ्लेटर टायर इन्फ्लेटर। आइए देखते हैं। तो मैंने बताया था कि इस वायर को, इस तार को जोड़ना पड़ता है। तो इसको जहाँ पर सिगरेट की लाइटर बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैंने तो आज तक जला कर देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक जहाँ मैंने परफ्यूम रखा हुआ है पार्क एवेन्यू का, वहीं पर एक कनेक्ट करने का सिस्टम दिया हुआ है। तो वो सभी कार में होता है, तो आपको ये वहाँ पर कनेक्ट करना है। और ये केबल वायर जो भी कह लें लंबा है, और ये आपके चारों जो व्हील्स है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो आइए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मैं रख देता हूँ कार पे। और इसको देखिए, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है ये ढक्कन, इसको खोल करके यहाँ पर जोड़ देना है इसे। ये बिल्कुल आसानी से चला जाता है, ये आसानी से वहाँ पर चला गया। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले चेक करते हैं इसका वैक्यूम क्लीनिंग। अगर इसे हम वैक्यूम क्लीनर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये कैसा काम करता है, आइए देखते हैं। तो ये फ्रंट पोर्शन है, और इसे पे आपको वैक्यूम क्लीनिंग के जो इक्विपमेंट्स, जो पार्ट्स हैं उसको जोड़ने होंगे। तो मैं इसे जोड़ता हूँ, असेंबल करता हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ को, किस पार्ट को कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले मैं ये जो पाइप है इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और ये बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाएगा, इसको यहाँ पर लगा देना है। और ये जो पाइप है इसके आगे में आपको किस जगह में साफ़ करना है, किस जगह की सफाई करनी है उसके। और ये दोस्तों, मैंने अपने कार की चाबी ऑन कर दी है, और ये जो बटन सफ़ेद वाला दिखाई दे रहा है, अगर आगे आप उसे पुश करेंगे तो वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा, और आप आवाज़ सुन सकते हैं, और काफ़ी तेज़ आवाज़ है, और आप इस तरह से सफाई कर सकते हैं। आइए इसे कुछ जहाँ पर ज़्यादा गंदगी हो जाती है वहाँ पर सफाई करके देखते हैं। इन जगहों पर वैक्यूम क्लीनर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी गंदा है यहाँ पर। यहाँ पर आप वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर सकते हैं, अगर आप कंसर्न है कि मुझे अपनी कार को साफ़ रखना है। तो आप इसे ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन, अमेज़ॉन से मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है टायर इन्फ्लेटर के लिए, आप इसे अपने कार के टायर्स पे हवा भरने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस रीज़न के चलते ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा यूज़फुल लगता है। सफाई तो हम कहीं भी करा सकते हैं, और सफाई नहीं करें तो भी कार चलेगी, लेकिन अगर कहीं किसी जगह पे अगर कार की हवा निकल जाती है तो हमें मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है। तो ये तो वैक्यूम क्लीनिंग का पार्ट मैंने आपको दिखाया, आइए देखते हैं ये टायर में हम इसे कैसे हवा भर सकते हैं। देख सकते हैं टायर की जो हवा है बिल्कुल नहीं के बराबर है, और मैंने इसे जोड़ लिया है, और देखिए इस तरह से ये हवा भर रहा है टायर में। काफ़ी स्पीड हवा नहीं जाता है, जैसे आप हवा भरवाते होंगे कहीं पर जाकर के, तो वो बहुत स्पीड हवा भरता है उस मशीन से, लेकिन ये मशीन थोड़ा स्लो हवा भरती है, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए है। कहीं जंगल में अगर पंचर हो जाए गाड़ी तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप हवा भरते वक्त इसका जो टायर का जो प्रेशर है वो मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कार स्टार्ट होनी चाहिए, और जब आप इस मशीन टू इन वन मशीन के जो बटन है उसको पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये टायर इन्फ्लेटर बन जाएगा। इससे आप हवा भर सकते हैं, और आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ जो है वो चेंज हो चुकी है। और ये प्रेशर मीटर आप देख सकते हैं 30 के आसपास है, और हवा भर रहा है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हवा जा रही है। और ये काफ़ी यूज़फुल मशीन है मेरे ख्याल से, आप इसे अपने कार पर रख सकते हैं। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया है उसे आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, और इसे अपने कार में रखना ही चाहिए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं काम करता है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, सैटिस्फैक्ट्री लगा।
और मैं इसे अपने कार में हमेशा इसे रखूँगा। आप देख सकते हैं ये वायर दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ से मैंने इसे कनेक्ट किया है, इस पाइप को इसे जोड़ा हुआ है और धीरे धीरे हवा भर रही है। और यूज़फुल प्रोडक्ट है, अगर जंगल में कभी टायर से हवा निकल जाए तो ये मेरे काम आ सकता है, रात के वक्त कभी इमरजेंसी में ये मेरे काम आ सकता है, इसलिए मैं इसे अपने कार की डिक्की में ज़रूर रखूँगा। और आप भी अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, मैंने अमेज़ॉन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। काफ़ी गर्मी है। सो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ योर फ्रेंड अमित साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।